हैं वॉइस ऑफ इंडिया, आपके साथ मैं हूं मोहिनी कुशवाहा। बात करते हैं पंजाब की। पंजाब सरकार द्वारा किसानों के कर्ज माफी के वायदे को लेकर सरकार का रुख अभी तक साफ नजर नहीं आ रहा और किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों द्वारा उनके सारे कर्ज माफ करवाने के लिए आज पंजाब के 13 जिलों में 15 स्थानों पर डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम के दफ्तर के बाहर 5 दिन तक धरना लगाया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत मोगा के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में किसानों ने धरना लगाया। आइए सुनाते हैं आपको सुखदेव सिंह कोकरी को। भारतीय किसान यूनियन एकता जिंदाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार अपनी राखी तेरा सरमाए का इलाज प्रबंध मुर्दाबाद, तेरा सरमाए का इलाज प्रबंध मुर्दाबाद, तेरा चढ़े कार्जां ते लकीर मरा के रहांगे, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, सरकारां तो ना झाक करो, अपनी राखी मुर्दाबाद, एकता जिंदाबाद, जिदे धरने पूरे पंजाब दे विच 13 जिलों दे विच शुरू हो चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां दे सद्दे ते करजा मुक्ति की मुख मंग है, जिहड़ी मंग है इस वेले पूरे हिंदुस्तान दे विच खास करके पंजाब दे विच बहुत वड्डी पद्धर ते उपर चुकी है, क्योंकि पंजाब विच भी सरकारी डेटे अनुसार 17,000 तो उपर किसानों दीआं खुदकुशियां हो चुकियां करजे थले दब के, किसानों ते खेत मजदूरों दीआं। पूरे हिंदुस्तान च सरकारी डेटे मुताबक 3 लाख तो उपर गिणती टप चुकी है करजे थले दब के खुदकुशियां करन वाले किसानों मजदूरों दी, पर ना केंद्र सरकार ते ना पंजाब सरकार सवाए गल्लां बातां तों इस मसले ते किसानां दीआं खुदकुशियां रोकण लई उन्हां नूं करजिआं तों निजात दिवाउण लई कुछ नहीं कर रहीआं। बयान आ रहे आ कदे कहिंदे आ 59,000 करोड़ दे करजे माफ़ करांगे, सारे फसली करजे माफ़ करांगे, कदे उन्हूं घटा के 9,500 करोड़ ते लै आउंदे आ, कदे उन्हूं कहिंदे मसां 2,700 करोड़ दा होया प्रबंध, ते जिद्दे फिर मुख्य मंत्री सर्टिफिकेट वंडदा ड्रामा करदा करजा मुक्ति दा शुरुआत दा मानसा दे विच, उदे ओह जिहड़ी रकम आ ओह घट के 167 करोड़ ते आ जांदी है। ते उस तों बाद च जिहड़ा नवां बयान आया कि ओह सूचियां भी पड़तालियां जाणगियां पहलां वालियां भी, उन्हां चिर अगली माफ़ी ठप्प है, किवें पड़तालणियां स्वै घोषणा पत्र लै के अगलियां सूचियां उदू बाद जारी कीतियां जाणगियां। स्वै घोषणा पत्र कदों तक लै जाणगे, कदों तक पड़ताल मुकम्मल होजूगी, इहदी कोई समा सीमा नहीं मिथी गई, जिहदा मतलब है ये करजा मुक्ति दे प्रोसैस नूं इस कार्ज नूं विच विचाले रोकता जाण बुझ के सरकार ने, ते बहाना यह बनाया जा रहा थोथियां दलीलां राहीं। बिल्कुल ही गुमराह कुन अपीलां कीतियां जा रही मुख्यमंत्री वालों कि पंजाब का खजाना खाली करता बादल ने, यही गल बादल कहिंदा रहा 10 साल कि कैप्टन खजाना खाली कर गया, क्योंकि उदू पहला कैप्टन सी। इस तरह दीआं थोथियां दलीलां जिहदे च कोई वजन नहीं, क्योंकि इन्हां दिनां च ही सारे IPS अफसरां दे होरनां दे किन्ने भत्ते वधे आ, आपदियां नवीआं कारां लईआं मंत्री मंडल ने, तनखाहां वधाईआं। इतों भी अगे इन्हां दिनां च जदों खजाना खाली किसानां वास्ते कहा जा रहा है, तां इत्थों दे जिहड़े सरमाएदार सनअतकार है पंजाब दे उहनां नूं 1 तिमाही दे 748 करोड़ रुपये माफ़ी दित्ती गई है, उहनां दे खात्यां च पा दित्ते गए है। हर तिमाही जानी सालाना लगभग 3,000 करोड़ रुपया उन्हां सरमाएदारां नूं जिन्हां चों किसी एक ने भी खुदकुशी नहीं कीती, उन्हां नूं बिजली सबसिडी तां दित्ती जा सकदी है, पर किसानां नूं देण वेरे खजाना खाली है।
इस करके योजना थोथिया दलीलों के आधार पर यह गुमराह कौन अपीलों अज किसान ने पूरी तरह रद्द कर दिता है। इस वेले पंजाब दे विच 13 जिलों 15 थावां ते क्योंकि कुछ जिलों दो थावां ते भी चल रहे आ प्रोग्राम ज़्यादातर डीसी दफ्तर मूहरे 10 जिलों च ते 3 जिलों च 5 थावां ते SDM दफ्तर मूहरे ये प्रोग्राम सैकड़ों की गिणती च जिन्हां विच सैकड़ों की गिणती च औरतां ने ते कुल मिला के 10,000 की गिणती च किसान शामिल होए अज दे इन्हां सारे प्रोग्रामां दे विच। ये 10,000 किसानां ने मजदूरां ने सरकार दीआं दलीलां नूं मुढ़ों रद्द कर दिता ते उहदी अपील नूं भी रद्द कर दिता और ये मंग कर रहे आ कि समुचे करजे विच सूदखोरी करजे सूदखोर आड़तियां दे शाहूकारां दे बैंकां दे फाइनांस कंपनियां दे सारे करजे ते लकीर वजनी चाहीदी आ। किसान तां बचणगे और सूदखोरी करजा कानून किसानां मजदूरां दे पक्ष दा वह बनाया जाना चाहिए और खुदकुशी पीड़ित परिवारों वास्ते 10-10 लाख रुपये का मुआवजा एक एक जी नूं सरकारी नौकरी ते समुचे करजे ते अज ही लकीर रहनी वो खुदकुशी पीड़ित परिवारों वास्ते। ते इन्हां दे चोण वादे मुताबक साडी पहलां भी मंग सी किसान जथेबंदियां दी कि करजे चढ़न दे कारणां दे विच जिथे सब तो वड्डा कारण जमीना की तोट है जमीनी हदबंदी कानून बनवाया होया किसानों ने सरकारों के गल च गूठा दे के अज तो 60 साल पहला संघर्षा राही पर उन्हें लागू नहीं किया जा रहा और लागू करके जमीनी तोट पूरी की जाए। दूजे नंबर पर खेती लागत खर्चे घटाने लई जिहड़ियां कंपनियां खेती लागत पैदा करन वालियां रेहां स्परेयां बीज डीजल वो सारिया कंपनियों के मुनाफे छांक के जोड़े कई कई 1000% मुनाफे लै रही हैं सैकड़े परसेंट नहीं कई कई 1000% मुनाफे कमा रही हैं उन्होंने दवाइया के स्परेयां के खादा के करके बहुत महंगे लागत खर्चों को घटाने लिए उन्होंने मुनाफे छांगे जा लागत खर्चे घटाने तो बाद स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट मुताबक 150% वाले भा जे है लागत खर्चे उत्ते 50% मुनाफे वाले भा सारियां फसलों के मैं दोबारा कहना सारियां फसलों के असी मंग रहे हैं कल्ले कणक झोने के नहीं पर ये उदू उल्ट कणक झोने के भी बंद करनू फिरदे आ वो भा दिते जान। और तीजे नंबर पर बेरोजगारी सब तो वड्डा कारण है क्योंकि खेती च रुजगार रह ही बहुत थोड़ा गया सारा काम मशीनरी ने रसायणा ने खो लिया किसानों को खेत मजदूरों को ता खुद वादा किया कैप्टन ने गुटका साहब की सहुं चक के वादा किया कि करजे भी समुचे खत्म करांगे ते घर घर रुजगार भी देवांगे ते खुदकुशी पीड़ित परिवारों नूं मुआवजा भी देवांगे। जिहड़ा बहिंदिया सार फैसला तो करता 10-10 लाख की मंग नहीं मनी 5-5 लाख करता 3 तो पर दिता किसी नूं अजे तक धेला नहीं सरकारी खजाना खाली होण दा बहाना बिल्कुल थोथा बहाना है। जदों वड्डे कारपोरेट घराणियां दे माफ करने हुंदे आ तां पिछले 10 सालां च केंद्र सरकार ने 9 लाख करोड़ दे करीब करजे माफ कीते आ ते इस साल की तजवीज़ 6 लाख करोड़ की बनी पई है 7 लाख करोड़ तो उत्ते जिहड़े करजे NPA कहिंदे आ मोड़े नहीं जा सकते वो बैंकां लिस्टां तैयार करी बैठियां उदों खजाने भर जांदे आ सरमाएदार सनअतकारां नूं देने होण उदों खजाने भर जांदे आ पर किसानां वेरी बिल्कुल खाली खजाना ये थोथी दलील है। असीं इस दलील का ठोकवां जवाब देण वास्ते 5 दिन दिने रात लगातार धरने लाउणे आ जे फिर भी सरकारां ने कुछ ना गौलिया साडी मोदी सरकार तों वी मंग है कि पंजाब दे किसानां नूं करजिआं हेठों कढ़न वास्ते करजा राहत पैकेज घट्टो घट 50,000 करोड़ रुपया पंजाब दे किसानां नूं चाहीदा समुचे करजिआं थल्लों कढ़न वास्ते। जे केंद्रीय पैकेज होगा तो उन्ना ही पंजाब सरकार पाऊगी क्योंकि 90,000 करोड़ तो उपर करजे आ कुल मिला के पंजाब दे किसानां दे सिर वो सारे दे सारे करजे ते लकीर मारन की साडी मंग है। कल्ले फसली करजे की नहीं मंग साडी
वो तो असं कहने भी चलो जिन्ना क फैसला किया उन्ना भी छेती तो छेती लागू करो, पर किसानों के खुदकुशियां नहीं रुकनियां, किसानों के मसले नहीं हल होने। इस करके साड़ी ये मंगा जे सरकार नहीं मनती तो असं 26 तरीक वाले दिन अगले एक्शन का प्रोग्राम ऐलान करांगे। साड़ी जत्थेबंदी की खास करके कर्जा माफ़ी वास्ते ये ऐलानिया पोजिशन साढ़े ऐलाननामे दर्ज है जत्थेबंदी दे के असी जागीरदारां दी करजा माफ़ी दे बिल्कुल हक च नहीं, जागीरदारां दे करजे बिल्कुल माफ़ नहीं करने चाहिए, सगों उन्हां तों आमदन टैक्स भी वसूलना चाहिए। तो आ बिजली की सबसिडी समेत सारिया खेती सबसिडियां उन्हां तों वापस लैनिया चाहीदियां, क्योंकि जागीरदार कानून की उलंघना करके वाधू जमीन संभी बैठे आ हदबंदी कानून की उलंघना करके। इस करके उन्होंने वह कार्रवाई भी होनी चाहिए है, जमीन की वंड भी होनी चाहिए है, कि आ जड़े कर्जा माफ़ी की सहूलत जां सबसिडिया की सहूलत ये उन्होंने बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। यह थी विपिन ओंकारा की रिपोर्ट, आप देखते रहें वॉइस ऑफ इंडिया।